पीनट बटर बनाने के लिए बताया था ना मैंने। हाँ दोस्तों, आप बाहर से पीनट बटर मत यूज करा करो, आपको बताऊंगा चीप पड़ेगा आपको, सस्ता पड़ेगा आपको पीनट बटर, और बेस्ट पड़ेगा आपको, हाइजीनिक रहेगा आपके लिए और हेल्दी भी रहेगा, सबसे बड़ी चीज हेल्दी। आपने क्या करना है, ऐसा मूंगफली का पैकेट ले लीजिए, ये मेरे ख्याल से 100 रुपए का होगा मूंगफली का पैकेट, आधा किलो का, आधा किलो का मूंगफली का पैकेट 100 रुपए का आ गया। और आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ले लो, करीब 100 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो बड़ा महंगा मिलता है, बट आप 100 ग्राम ले लो, वो आपका मुश्किल से 100 रुपए का आ जाएगा, 200 रुपए का हो गया। आपने इस मूंगफली को, कच्ची मूंगफली को धीमी आंच पे कढ़ाई में भूनना अच्छी तरह, जब धीमी आंच पे कढ़ाई भून जाए से छिलके उतार कर, ठीक है, फिर आपने उसको मिक्सी में डाल के उसका धीरे धीरे ग्राइंड करना उसको, और ऑलिव ऑयल थोड़ा डालते रहे उसके अंदर। ऑलिव ऑयल 100 की जगह आप 200 ग्राम भी कर सकते हो, तो आपका खर्चा पड़ जाएगा 300 रुपए का, 200 रुपए का ऑलिव ऑयल और 100 रुपए का आपका पीनट्स, ठीक है। जैसा आपने उसको गाढ़ा बनाना है उस हिसाब से ऑलिव ऑयल डालो उसके अंदर, 200 ग्राम ऑलिव ऑयल बहुत है। वो डालने के बाद उसमें आप थोड़ा स्पाइसी करने के लिए दालचीनी डाल सकते हो, दालचीनी जो है आपका बहुत अच्छी चीज है, दालचीनी वो डाल दो आप, दालचीनी अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके अंदर शुगर फ्री की टैबलेट डाल दो अगर आप मीठा करना चाहते हो, जितनी मर्जी डालो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपका पीनट बटर ये लगभग लगभग आपका 310 रुपए 320 रुपए के अंदर पीनट बटर तैयार हो जाएगा, आपका करीब करीब 700-800 ग्राम पीनट बटर। और बेस्ट इतना, आप बाहर का जो पीनट बटर आप जो भी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो भाई, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल किसी में डलेगा, सब में रिफाइंड डाल रखा होगा, गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। एक दिन आप खा के देखो मेरे कहने से, एक दिन आप जब वर्कआउट करोगे ना या दौड़ मारो कहीं भी, आप अपनी स्किन देख लेना, चमकेगी शीशे की तरह, बिल्कुल शीशे की तरह चमकेगी स्किन।